जीवन ज्योति स्कूल तथा रोटरी क्लब के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को पुलिस लाइन में एक जांच प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें, जिसके शुरुआत में दीप प्रज्वलित कर तथा बच्चियों द्वारा राष्ट्रगान गाया गया। कार्यक्रम में पुलिस बलों को प्रशिक्षण दिया गया कि ड्यूटी के दौरान बहरेपन से प्रभावित लोगों से कैसे संवाद स्थापित करेंगे। मौके पर मौजूद विशेषज्ञ ने बताया कि सर, वो किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा पुलिस लाइन में? नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर प्रसन्नजीत मजूमदार। मैं समाज कल्याण अधिकारी हूँ, आली अवर्जिंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक संस्थान है जो हम लोग स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज के साथ काम करते हैं। बेसिकली अंडर एडिप स्कीम, एडिप एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, असिस्टेंस फॉर डिसेबल पर्सन। जो जिसके पास विकलांग सर्टिफिकेट है, हियरिंग विकलांग सर्टिफिकेट है, जिनका इनकम 15,000 से नीचे है, उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हियरिंग एड दिया जाएगा। क्योंकि हियरिंग एड बहुत कॉस्टली है, जो आम पब्लिक को खरीदना बहुत मुश्किल है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्कीम है। और इसके अलावा एक नया कानून है जो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 बोला जाता है, जिसका अंडर में पुलिस वालों को ट्रेनिंग देना मैंडेटरी है। किस तरीका से हियरिंग डिसेबल को और बाकी सारे डिसेबल लोगों को डील करेंगे, रास्ता में डील करेंगे, रास्ता में क्रॉस होना कैसे, उनके साथ कैसे बात करना है, उसके साथ किस तरीका से कोर्ट में उसको फेस किया जाएगा, इस तरीके से हम लोग एक ट्रेनिंग देंगे, उनका राइट्स के ऊपर ट्रेनिंग देंगे, उनको क्या क्या काम करना है उसके ऊपर ट्रेनिंग देंगे हम लोग। यही मेन काम है हमारा। अपना परिचय दे, आप ये रोटरी क्लब अपना परिचय दे दीजिए। हाँ, और ये कार्यक्रम जो है, ये आज और कल का दो दिन का कार्यक्रम है। ये एक दिन का तो पुलिस वालों को ट्रेनिंग देंगे और दूसरा दिन हियरिंग एड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अंडर एडिप स्कीम। और ये कार्यक्रम चल रहा है हमारा इंस्टीट्यूट के साथ कोलाबोरेशन में। जीवन ज्योति एक स्कूल है यहाँ पे, रोटरी क्लब चलाते हैं, तो उनके साथ कोलाबोरेशन में ये हम लोग एक कोलाबोरेशन में ये प्रोग्राम हम लोग चलाएंगे दो दिन। अपना पूरा परिचय देते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर प्रसन्नजीत मजूमदार। मैं इसी संस्थान में जाली अवर्जिंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी में समाज कल्याण अधिकारी के तरफ से काम करता हूँ।